नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछु आथरे प्रथम हेडलाइंस मुदाला नंबर 13 पुणी देखाइले नालियाखि अर्गस प्रतिनिधिक प्रश्न रे छिंकि उठिले पावरफुल मिनिस्टर प्रताप चना कहिले किछि कामधंदा नाही कि मंत्री को भूमिका को नै उठिला प्रश्न चाप परे नइले सरकार वर्धित होल्डिंग टैक्स स्थगित हाईकोर्ट का राय न आसीबा चाहे वर्धित टैक्स को स्थगित घोषणा कले मंत्री प्रताप चना पुरुणा दर अनुसार आदाय हेबो टिकस ओडिशा रे 1943 जणक पिछा जणे डाक्टर विधानसभा रे विधायक सौम्य रंजन पटनायकक प्रश्न रे मंत्री नवदास को उत्तर ओडिशा रे 8719 पंजीकृत डाक्टरक मधुर कार्यरत 724 कोविड आक्रांतक पिछा 16000 खर्च विधानसभा रे कोविड खर्च रे तथ्य रखिले मंत्री नवदास चिकित्सा पई घरी हॉस्पिटल को 24 कोटी 86 लाख सीएमसी को मिली 26 कोटी 74 लाख जाला फांडी कंकाल जबत घटना डीएनए टेस्ट पई फोरेंसिक लैब को गला कलां कंकालर किछ अंश समस्त थाना को पठा जिवो कंकाल निकट रु मिलितवा सामग्री रो फोटो हजितवा महिला को विषय रे सूचना देले आरंभ हे पतो धर्मशाला रु 50 लाख रु अधिक विस्फोटक जबत मुकुंदपुर रु सुशांत बेहरा बिकुथला विस्फोटक बीजेडी विधायक प्रणव बलवंत राय को सह सुशांत रो संपर्क को नै चर्चा मामू भणचा घाई सह लिंक रहि छि मुख्यमंत्री को जिला रे पानी पई हाहाकार 488 कोटी रो जानिपिली प्रकल्प कहा पाई अंचलवासी पाउनाहाते पानी जगदलपुर ठारे हांडी माठिया थरी लोकों को रास्ता एवं बढ़ुछि धान किणा ताती केन्दुछरे रास्ता को लहाइले चासी 49 नंबर जातीय राजपथ रे रास्ता अवरोध जगमोहनपुर छक रे धान बस्तार की प्रतिभा असिया संपूर्ण खबर को मुदाला नंबर 13 पुणी देखाइले नाली आखि कटकरे अर्गस प्रतिनिधि महंगा डबल मर्डर घटना नै प्रश्न पचारि पारु चिंकि उठुछन्ति मंत्री प्रताप जेना कहुछन्ति किछि कामधंदा नाही कि दायित्ववान गणमाध्यमर काम तो प्रश्न करिबा आउ आमो प्रतिनिधि जेतेबेले प्रश्न कले काहि कि एमिते रागी नाली होइ जाउछन्ति पावरफुल मिनिस्टर प्रताप जेना महंगा डबल मर्डर अभियुक्त प्रताप जेना आउ तांको नारे एफआईआर होइछि 302 भळे संगीन दफा खाली सेतेकि नुहे डबल मर्डर घटनार अन्यतम अभियुक्त प्रफुल्ल विश्वाळक संदेहजनक मृत्यु घटनारे मध्य संदेह घेरें महांगा विधायक तथा मंत्री प्रताप जेना मुझे घटन दुखित और मर्माहत ये घटना को जिते निंदा कले कम हम राजनीति में हिंसा को केबे भी प्रश्रय दिया उचित नुहे एवं आमे केबे भी राजनीति रे हिंसा को प्रश्रय देना एवं जो माने भी एपरी अमानुषिक कार्य विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान हवा उचित एवं मु मध्य व्यक्तिगत भाव रे ए कथा प्रति दृष्टि देवी कि किपरी भाव रे जो माने हत्याकारी जो माने दोषी से माने केमती अरेस्ट हेबे सर 20-23 दिन जो बीजेपी विधानसभा घेराव कर जो महंगा हत्या घटना को लेकिन सर 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 टी खाले तुमर कि कामधंदा ना कि तुमर कि कामधंदा ना कि तुमर कि कामधंदा ना कि सर 20-23 दिन जो बीजेपी विधानसभा घेराव कर जो महंगा हत्या घटना को लेकिन सर 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 टी खाले तुमर कि कामधंदा ना कि सर टी खाले परे नइले सरकार वर्धित होल्डिंग टैक्स स्थगित हो प्रबल चाप पड़ा पर हाईकोर्ट राय न आसवा जाए निष्पत्ति को स्थगित रखिंट सरकार एने विभाग मंत्री प्रताप जेना सूचना देते से कहते जे हाईकोर्ट एने मामला रुजु हो बेंचमार्क बढ़ी टिकस वृद्धिपाई बीएमसी पक्षर निष्पत्ति तेज राय न आसवा जाए पुणा दर अनुसार आदाय हेब टिकस लोकों भावावेग को देखि यह स्थगित रखा मुख्यमंत्री निर्देश देते तेणु यह स्थगित रखा जा सूचना देते मंत्री प्रताप जेना होल्डिंग टिकस नदे घर सिल करने को गतका निर्देश होता होल्डिंग टिकस नदे घर दुकान सिल कर सूचना रही एने निर्देशनामा जारी कर भुवनेश्वर महानगर निगम वर्धित हार रे होल्डिंग टैक्स आदाय करने निष्पत्ति गोटे फर्मूला कि बेंचमार्क
ଭାଲୁଏସନ୍ ଯେହେତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏ କଥାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିକି ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବର୍ଦ୍ଧିତକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା। ଆଜି ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରୁନି ଗୃହ। ଗୃହ ଆରମ୍ଭରୁ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ନେଇ ହୋହାଲ୍ଲା ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଶାସକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ପଶି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗୃହରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛି ଶାସକ ଦଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଧାୟକ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ନେଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ବିଜେପି। ଅପରପକ୍ଷେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଧାନ ଉଠାଇବା ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସେଥିପାଇଁ ଗୃହକୁ ପ୍ରଥମେ ଦିନ 11:30 ପରେ ଅପରାହ୍ନ 4:00 ଯାଏ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ କହିଲୁ ତୁମେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍, ଡିରେକ୍ଟରେଟ୍, ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଫିସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ, ଯେତେ ହେଡ଼ ଅଫିସ, ଯେତେ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ତାଙ୍କଠୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 20 ବର୍ଷ, 25 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ ବାକି ପଡ଼ିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ତୁମେ ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକ କରୋନାରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, 10 ଗୁଣ ବଢ଼େଇଛ, 1 ଗୁଣ ବଢ଼ା, ଆମେ ଦେବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ତା ନହେଲେ ଘୋର ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଆଜି ଯାଉଛୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ। ମହିଳା ଦେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ଗର ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓକିଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି? ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ସମାଧାନ ନ କରି ସିଏ କାହିଁକି ଗୃହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି? ଗୃହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଗ ନା ତାଙ୍କ ଦାବିଟା ଆଗ? କେଉଁଟା ଆଗ? ଗୃହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ଫେରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୃହରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୃହକୁ ପବିତ୍ର, ଗୃହକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଗୃହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କରିବାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଯଦି ସେ ସ୍ୱୀକାର ନ କରନ୍ତି, କ୍ଷମା ନ ମାଗନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ଆମେ ଚଲାଇଦେବୁ। ରାଜ୍ୟର ବହୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିଛୁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଉଠିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧ କରିବ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ତାକୁ ଆଲୋଚନା ସର୍ବଦଳୀୟ ମିଟିଂ ଡାକିନାହାନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 1943 ଜଣଙ୍କ ପିଛା ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ। କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନ ଆଧାରରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 8 ଜଣ ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା। ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 6,315 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ 8,719 ପଞ୍ଜୀକୃତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ 7,024 ଡାକ୍ତର। ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ ତଥ୍ୟ। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର କୋଭିଡ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ଦେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପିଛା ଅଦ୍ୟାବଧି 16,279.32 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ 24,86,16,114 ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମକୁ 26,74,52,868 ଦିଆଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ। 20 ବସ୍ତା ଆମୋନିଆ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଜବତ କଲା ଜେନାପୁର ପୋଲିସ। ଜବତ ବିସ୍ଫୋରକର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଏହାସହ 12 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ପାୱାର ଜେଲ୍ ବି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୁକୁନ୍ଦପୁରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ବିକୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ। ଗିରଫ ସୁଶାନ୍ତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ। ପ୍ରଣବଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର ଅନେକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପାହାଡ଼ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା କି ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାମୁ ଭଣଚା ବନ୍ଧ ଉଡ଼ାଇବାରେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନାହିଁ ତ?
सेपटे काहीकि पुलिस नेला नाही कार्यानुष्ठान बंध उड़ाइथिबा लोक गिरफ होइछन्ति कि ना विधायकक चापरे चुप बसिछि पुलिस एने अनेक प्रश्न सृष्टि होइछि। तो वर्तमान आसंतु सुनिबा बीजेपी राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा कौन कहते अर्थात प्रतिक्रिया कौन रोचना आसंतु सुनिबा। 2300 लोगों का अरेस्ट होना और अगर उससे पहले की बात करें तो 2250 लोग साधारण लोग मारे गए थे, 284 लोग सिक्योरिटी पर्सनल के मारे गए कांग्रेस के पिछले 5 साल में जो कांग्रेस का सर्वानंद सोनोवाल से पहले की सरकार थी और उसी तरीके से लगभग 1.55 करोड़ रुपीस उस समय खर्च किया गया लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे और इधर 1500 करोड़ रुपए खर्च करके उनका विकास करके उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। मित्रों, असम के लिए मोदी जी का विशेष प्यार है। इस साल के बजट में 53,000 करोड़ रुपए असम के विकास के लिए रखा गया और वो असम को दिया गया है। 35,000 करोड़ रुपए 1500 किलोमीटर की नेशनल हाईवे सड़क बनाने के लिए दिया गया है। इस तरीके से विकास के लिए नेशनल हाईवे के लिए काम करने का को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं ब्रू रियांग की, ये जो ब्रू रियांग का मसला था, लगभग 35,000 लोग पिछले 25 साल से दर दर की ठोकरें भटक रहे थे और उनके रहने की व्यवस्था नहीं थी। उनको रहने की व्यवस्था का भी ब्रू रियांग का समझौता करके 600 करोड़ रुपए दे करके उनको भी बसाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए असम की अस्मिता, असम का भाषा, असम का कल्चर, असम की रीति नीति, इसको बचा करके रख करके मुख्य धारा में लाने का काम किया तो यहां बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने किया और आशीर्वाद मिला तो मोदी जी का मिला है, यह हमको समझना चाहिए। यह ऐतिहासिक समस्याओं को समझाने का अगर मैं बात करूं केंद्र की तो वहां भी दिल्ली में भी सब कुछ लटका था, भटका था, खटका था, अटका था, कोई काम नहीं हो रहा था। हमारी मुस्लिम बहनें असम में, हमारे मुस्लिम भाई बहुत बड़ी संख्या में हैं, उनकी बहनें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल तलाक समाप्त करो लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी। पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, बांग्लादेश में ट्रिपल तलाक नहीं है, अफगानिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, ईरान में ट्रिपल तलाक नहीं है, इराक में ट्रिपल तलाक नहीं है, मलेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं है। ये सब मुस्लिम देश हैं या मुस्लिम बहुल्य देश हैं लेकिन हमारे भारत में सेक्युलर भारत, वाह वाह भारत, यहां ट्रिपल तलाक था। हमारी बहनों को कोई कह दे तलाक 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 और तलाकशुदा हो जाए, मोदी जी ने फैसला लिया और कानून बना करके ट्रिपल तलाक हमारी मुस्लिम बहनों को उससे आजाद कर दिया, मुख्य धारा में शामिल किया, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे भारत सरकार में मंत्री है, जम्मू के उधमपुर से आप लोकसभा से आते हैं, पूछिए वहां क्या हाल था। वहां के ट्राइबल को रिजर्वेशन नहीं थी, वहां के गुजर और बकरवाल को रिजर्वेशन नहीं थी। वहां पर हमारे एससी भाई जो पंजाब से आए थे उनको वहां पर बसने का अधिकार नहीं था, वहां पर भारत के 125 कानून नहीं लगते थे। वहां पर महिलाओं के साथ प्रताड़ना हो तो कोई कानून नहीं चलता था, वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कानून नहीं था, इसलिए वहां के नेता मेवा खा रहे थे, मेवा खा रहे थे, मौज बना रहे थे। मोदी जी ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और धाराशाही करने के बाद आज मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर को शामिल किया, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं राम मंदिर की बात करूं तो सबकी इच्छा थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने लेकिन नहीं बन पा रहा था। वो भव्य राम मंदिर
बनाने के लिए लोग लगे थे, लेकिन कानून की व्यवस्था करते हुए धारा 370 राम मंदिर को भव्य राम मंदिर बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसको भी हमको समझना चाहिए, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, हम स्वच्छ भारत में बढ़ने का काम कर रहे हैं। यदि हम स्वच्छ भारत की बात करें तो यह नारा नहीं है। लगभग 11 करोड़ टॉयलेट्स घरों में बनाए गए, 11 करोड़। यह छोटी घटना नहीं है। और मैं इसलिए कहता हूं कि इससे पहले लोग पोखर के बगल में बैठ करके दैनिक क्रिया से निवृत्त होते थे। हमारी बहनें सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए इंतजार करते थे कि जब सूर्योदय से पहले निवृत्त हो जाएं या सूर्यास्त का इंतजार करते थे। आप बताइए, आजाद भारत में 7 साल में यह क्या स्थिति थी, क्या स्थिति थी बहनों की। मोदी जी ने महिला शक्ति को आजाद कर दिया, 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाए और असम में भी 60 लाख टॉयलेट बना करके आजाद किया। यदि हम बात करें उज्ज्वला योजना की, 8 करोड़ गैस के कनेक्शन दिए गए और उसमें से 36 लाख असम में दिए गए। उजाला योजना की बात करें तो 67 लाख एलईडी बल्ब दिए गए। आयुष्मान भारत की बात करें तो 1 करोड़ 60 लाख लोगों को जो इलाज हुआ है उसमें से 1,38,00,000 लोगों का इलाज असम में हुआ, जिनको मोदी जी ने अपने तरफ से आयुष्मान भारत का पैसा पहुंचाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ 70 लाख किसानों को दिया गया और यहां पर भी 16 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई। इस तरीके से विकास का काम शुरू किया गया। तेज आसाम जेपी नड्डा अभिभाषण रही अर्थात संबोधन रही जपरिक प्रधानमंत्री नेतृत्व में ट्रिपल तलाक कथा कहुवा भव्य राम मंदिर निर्माण कथा कहुवा स्वच्छ भारत ए सबू केवल सफल हो अभिभाषण रखी तेज आस परवर्त खबर पर नजर पकड़ा सिमिपाल जंगल में निआ लगे प्रसंग आज राज्य सरकार को प्राथमिक रिपोर्ट देव टास्कफोर्स ड्राफ्ट जरिया रिपोर्ट प्रदान कर टास्कफोर्स ए सरकार को किसी प्रस्ताव दिज्व निआ लगे स्थान गुड़िक टेक्नोलोजी जरिया किपरी चिन्हट हो गुरुत्व दिज्व राज्य में थिबा जंगल चारिपटे 26,500 अधिक गाँ रही एथिमध्यरु 5,000 अधिक निआपाई हॉटस्पॉट रही तेज यह सह वन सुरक्षा समितिर प्रोत्साहन राशि वृद्धि पर प्रस्ताव दिज्व अंपटे आज सरकार आलोचना करिपारंती केन्द्रीय टीम टास्कफोर्स गठन हवा पर आम प्रत्यह प्राय आलोचना करुचु कौन डेवलपमेंट होते जगार जंगल जो नियंत्रण मध्य आसी कौन कौन पदक्षेप नि गोटे कंटिन्यूस भाव में आलोचना चलती कितना 10 तारिखर आम गोटे मीटिंग होता तावर्त समय आम बर्तमान गोटे ड्राफ्ट रेडी कराई जोटा कि सरकार को दिजिव से अनेक गुड सजेसन रही मुख्य जिनस गोटे कह जो आम प्राथमिकता दौचु टेक्नोलॉजी माध्यम रे आमको जेतिकी इनफॉरमेशन मिलुची जंगल रे कौ जगह रे केते निया लागी कौड़ी का हॉटस्पॉट अछि तार गोटे मैपिंग करिबा आगामी दिन रे तेणु आम निर्दिष्ट भाव में जानवा ए पॉकेट रे अधिक निया लागुची सेठी अधिक पदक्षेप ग्रहण करिवार आवश्यकता छ। गंजाम जिला पाटपुर थाना अंतर्गत एस गोपालपुर गाँव निकट मां रतने पहाड़ रो अजणा महिला का मृतदेह उद्धार होइछे तबे हत्या परे शरीर रे एसिड ढळा जायतिबा सूचना मिलिछि। एसिड्रे महिलाओं शरीर संपूर्ण नष्ट हो जाए दुई गोड़ पाउची और पाखे गोटे बैग सह लुगा पड़ा देखा मिली अन्य के हत्या कर पहाड़ में मृतदेह फिंगी दि जा पुलिस अनुमान कर जबत गाड़ी कंकाल मिलिबा परे बढ़ुचे सस्पेंस मिलिथिबा कंकाल कहार ए हत्या होइछि ना आत्महत्या ए एबे भी रहस्य होइ रहिछि तेणु गुमर खोलिबा पई कमिश्नरेट पुलिस पक्षरु तत्परता देखा दैछि। डीएनए टेस्ट पई फोरेंसिक लैब को पठा जाइछि कंकालर किछि अंश दांत हाड़ बाळ फोरेंसिक लैब को पठा जाइथिबा सूचना मिलिछि
तेज महिला मिलता सामग्री फोटो समस्त थाना को पठाइब कमिशनरेट पुलिस। गिरफ्त नागा साधु बाबा वैष्णव पुरी को गिरफ्त कर सिंहद्वारा पुलिस। गतकाल श्रीमंदिर भितर पशे जोर जबरदस्त रोहिणी कुंडर जल सिंचन करने को उद्यम करते बाबा जहां सेठे मुतयन जेटीपी बारण करटाकटी होता नागा साधु वैष्णव पुरी संपृक्त जेटीपी आक्रमण करोग कर आहत नागा साधु को चिकित्सा पुरी सदर मुख्य चिकित्सा भर्ती करा तबे जेटीपी अभियोग आधार में सिंहद्वारा थाना पुलिस बाबा वैष्णव पुरी को गिरफ्त करी कोर्ट चलाण करपटे विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक नागा साधु प्रति पुलिस एभली घृण्य आचरण को ट्वीट कर निंदा कर हिंदू धर्म संस्कृति उपर पूर्व जेबे जेबे विपद आसी नागा साधु माने निज जीवन को बाजी लगाई धर्मर रक्षा कर हिंदू धर्म संस्कृति संरक्षक एक पुलिस और सरकारी प्रशासन बुझाव भक्ति और भावावेग को सम्मान देवा दरकार बोले विरोधी दल नेता ट्वीट जोगे निज मत रखिछन्ते। कामरे आसुनी बालेश्वर जिला पार्वतीपुर पानीय जल प्रकल्प पाइप मरामती अभाव दुई वर्ष है जलकष्ट भोगुछन्ते लोक। दस वर्ष तले प्रकल्प प्रतिष्ठा करा जायतिबा बळे तीन वर्ष तले 150,000 क्षमता विशिष्ट पानी टांकी प्रतिष्ठा करा जायतिला। मात्र दुई वर्ष पूर्व मार्कोणा गंटी बेड़ रास्ता काम बेले रास्तार पाइप गुड़िक नष्ट होइजबा परे गाँव में जल समस्या देखा दैछि। ना को रहिछि प्रकल्प हेले लोकंक पाखे पहुंचुनी पानी दुई वर्ष हला सरुनी जल कष्ट कामरे आसुनी बालेश्वर जिला पार्वतीपुर पानी जल प्रकल्प पाइप मरामती अभाव दुई वर्ष हला जल कष्ट भोगुछन्ति लोक। दस वर्ष तले प्रकल्प प्रतिष्ठा करा तीन वर्ष तले वसुधा योजन 150,000 लिटर क्षमता विशिष्ट पानी टांकी प्रतिष्ठा करा टांकी पार्वतीपुर गंडीबेड़ माटियालपदा ग्राम एवं जगन्नाथ मंदिर गंडीबेड़ बजार स्कूल एवं मेडिकल को संजोग करा दुई वर्ष पूर्व मार्कोणा गंडीबेड़ रास्ता काम बेले रास्तार पाइप गुड़िक नष्ट हो खाली सेकी नुहे पाणिकल गुड़िक भांगिजी गलापटे माटियालपदा गाँव में सतटी नलकूप पांचटी अचल हो पड़ रही फल लोक मैंने खरा दिने पानी टोपाए पाए डहल विकल होती आमर एटार पा आसूल आम भल चली पार्लु यही दु वर्ष है पा बंद हो पापी असुविधा होमर जावासिया 50-60 भितर चलती आईखणी हईराण होनी जदि सुविधा कर दिंते आम भल चलतु आँ कह सरकार पकाउना कहीं बुझुना 10-15 वर्ष है बंद हो गला लाइन पा आसूला सी भी बंद हो जाठी गोटे पैने भी भल सुविधा हाँ पानी टे ना कि हईराण सब घर घर का जे जो गोटे ट्यूब पकई कि चलुंत एटि तो सरकार तरफ पांच सतटा बाक्स ट्यूब बसी अद्यावधि बर्तन ताकि चारि पांचटा बोधे पूरा रस्ट हो गला ताकु भी पंचायत तरफ कौन प्रकार मरामती करना जदिओ दीटा ट्यूब चालू रही पानी बाहर से पानी यथेष होना तो पंचायत तरफ कोटी कोटी टंका व्यय पानी टांगी तैयारी से तार पानी टांगीर पाइप गाँ भर को आसीना 15 नंबर वार्डर गाँ भर को पानी पाइप कनेक्शन एपर्तंत सुधा होना कुरुंटा आर डी रोड जो या गंडीबेड़ कुरुंटा आर डी रोड से मेसीन लगे बहुत किसी पाइप से भांगी जाता ताकु भी कौन तरफ मानने प्रशासन तरफ भी कौन प्रकार रिपेयरिंग करालानी जहाँफल कि कौन है जो कि जगार भी पानी बसी स्टाण से स्टाण में दु वर्ष पाखापाखी हो गला कौन प्रकार पा बाहर ना तो बर्तमान आगु को खरा दिन आसुची ग्रामवासी मान जो भी निजे निजे ट्यूब किसी पकई से ठीक से पानी बाहर ना पानी जल समस्या नहीं प्रशासन को अनेक थर जन ग्रामवासी कौन सुफल ना अंपटे सरपंच सामान कथा कहते अभियोग कले कहीं सुनना सेपटे दु वर्ष पूर्व रास्ता कार्य बेले पाइप नष्ट हो जाए मरामती अर्थ राशि आसी टेंडर पर बहु शीघ्र कार्य होडीओ तीन वर्ष पखापाखी होगा दुई वर्ष तीन वर्ष हम कि अचल होकर रही गोटे दुखर कथा मार्कुणारु गंडीबेड जो रास्ता प्रशस्तिकरण है जो पाइप सब लगी सब नष्ट हो गला तापर आम अनेक थर स्थानीय कर्तृपक्ष गुहारी कले एपर्तंत सफल रूपायन होना
যে বসুধা যোজনার যে পাঁচ পাইপটা আমার গন্ডিওয়াড পার্বতপুর মাটিয়ালপদা তিনটা গ্রামকে নিয়ে আমার পাঁচ চাল কিন্তু যেতে গন্ডিওয়াড মার্কুণা পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্তিকরণ হল সেতবে সে পাইপ গুড়িক সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাই যেটা কি গন্ডিওয়াড মাটিয়াল পর্যা পর্যন্ত যাই তা সহিত বি আমার গন্ডিওয়াড প্রাইমেরি স্কুল মেডিকাল এবং জগন্নাথ মন্দির কি যে কনেকশন যাই গন্ডিওয়াড গাঁর গোটে পার্ট মধ্যে ব্যাঘাত হয়েছি যেটা কি লাস্ট দুই বর্ষ পূর্বর আমার ঔপদা আ মার্কোনা যে রাস্তা তৈরি হয়েছিল সেই সময় এটা ভাঙ্গি যাই পাইপ লাইনটি এবং তার রিপেয়ারিং ফন্ডস মগা যাই ফন্ডস আসি যাই এবং আরডব্লুএসএস এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র বালেশ্বর টেন্ডর কলা পরে যেতে শীঘ্র টেন্ডর ফাইনালাইজেসন হব তারপরে আমি ওয়ার্ক প্রোগ্রেস করিবু বহু শীঘ্র কাম করিবু। দিনকু দিন খরা বড়ুথিবা বেলি পানীয় জল কষ্টকু দ্বিগুণিত করেছি এমিতিরে প্রশাসন কানরে কেবে পড়ুছি লোকঙ্ক গুহারি তাহা উপরে নজর। বালেশ্বর জেলা নীলগিরিরু মনোজ প্রধানক রিপোর্ট অর্গস নিউজ। সময় সারিছে বুলেটিন কো এইঠে রখুছি অধিক খবর পাই দেখুথান্তু অর্গস নিউজ। নমস্কার।